तुला राशि वालों, 10 जनवरी बुधवार का दिन, मूल नक्षत्र का केतु ध्रुव योग में आपकी जीवन में बड़े सौभाग्य का अवसर लेकर आएगा, क्योंकि बुध आज चंद्रमा मंगल सूर्य के साथ आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में बैठकर चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण कर रहा है। बुध आपके भाग्य का स्वामी है, चंद्रमा कर्म स्थान का स्वामी, मंगल धन का स्वामी है और सूर्य लाभ का स्वामी है। पराक्रम भाव में बैठकर बुध भाग्य स्थान को देख रहा है, आपके भाग्य भी आज अच्छे होंगे। धन भाव में लग्ने शुक्र बैठा है और शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में बहुत ही मजबूत स्थिति में गोचर कर रहा है। बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर बैठकर लग्न पर अपनी शुभ दृष्टि डाल रहा है। तुला राशि वालों के लिए केतु का प्रभाव आज जीवन में अनुकूल स्थिति बनाएगा, बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी, शुभ स्थिति में खूब तरक्की आप करेंगे, जीवन के हरेक क्षेत्र में सुख पाएंगे, भाग्योदय का योग भी बनेगा, किस्मत का साथ भी मिलेगा, मन की इच्छा भी पूरी होगी और बाधा भी आपके जीवन का खत्म हो जाएगा। आज आपके जीवन की रुकावटें दूर होगी, नई खुशियों की सौगात लेकर आज ध्रुव योग में केतु और शुक्र के प्रभाव से आपके किस्मत में बड़े परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा आपके अंदर क्षमता को जगाएगा, जबकि बुध से आत्मविश्वास बढ़ेगा, सूर्य की शक्ति पाकर मंगल से आप पे धन कमाएंगे। आज आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, धनवान भी बनेंगे और समय के साथ जीवन में शुभ फल की प्राप्ति भी करते जाएंगे। आज का दिन जीवन में आगे बढ़ने का अवसर लेकर आएगा, आपके जीवन को सुखी बनाएगा और जीवन के संकटों का समाधान भी मिलेगा। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ दिन है, आपके भाग्य अच्छे हैं, अपने कर्म से आप बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी प्राप्त कर सकते हैं। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। बुधवार का दिन 10 जनवरी, आज का दिन ध्रुव योग में मूल नक्षत्र में केतु के प्रभाव से आप प्रभावित हैं। आज का दिन आपके लिए अपने नाम को रोशन करना, आज के दिन अपने कारोबार में, अपने नौकरी व्यापार में सहयोग और समर्थन प्राप्त करना, आज का दिन बड़ी उपलब्धि और तरक्की के साथ मान सम्मान पाना, क्योंकि आप पौष माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मूल नक्षत्र में केतु से प्रभावित होकर दिन की शुरुआत करेंगे। शाम 7:40 के बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का उदय होगा और शुक्र अपने प्रभाव से प्रभावित करेगा। केतु का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, तो जीवन में तरक्की अवश्य होगी। यदि किसी काम को आप सफलता से करना चाहते हैं तो मेहनत करके उस काम को आप आगे बढ़ाएं। आपके जीवन में बड़े लाभ सौभाग्य का समय है, बड़ी तरक्की उपलब्धि आपको प्राप्त होगी, शुभ समाचार भी आपको मिलेंगे और जीवन में धन और सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, जो आपके जीवन में बड़े लाभ लेकर आएगा। धैर्य और साहस से काम लें, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की देखने को मिलेगा, महत्वपूर्ण काम आपके पूरे हो जाएंगे और विपरीत परिस्थिति में भी आपके जीवन में लाभ और तरक्की देखने को मिलेगी, क्योंकि आज आपकी कुंडली में चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण हुआ है, जिसमें मंगल, सूर्य, बुध और चंद्रमा एक साथ गोचर कर रहा है। यानी आज का दिन आपके लिए सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाला, हर काम को सफलता से पूरा करने वाला,
आज परिवार का भी साथ मिलेगा, मित्र का भी साथ मिलेगा, जीवन में कोई महत्वपूर्ण कदम भी उठा सकते हैं और तरक्की का मार्ग भी प्रशस्त होगा और जीवन का भरपूर सुख भी आप प्राप्त करेंगे, यानी स्थिति बेहतर आपके लिए होगा। आज धैर्य का परिचय दें, मेहनत से काम करें, थोड़ा सचेत रहे, थोड़ा सावधान रहे तो आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। समय बड़ा शानदार है, अपने कर्म से अपने भाग्य से आप आगे बढ़ते जाएंगे, मेहनत का भी फल मिलेगा। बड़ी खुशखबरी, बड़े सौभाग्य का योग है, सोया व नसीब भी जागेगा और शुक्र के प्रभाव से संबंध भी नए बनेंगे और केतु के प्रभाव से नई संभावना का जन्म भी होगा। आज आपकी कुंडली में जो चतुर्ग्रही राजयोग है हर प्रकार का सुख देगा। सूझबूझ से आगे बढ़ते जाएं तो जीवन में हर प्रकार का सुख है आप प्राप्त करेंगे। साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, संतान की तरक्की होगी, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा। आज आपके घर किसी अतिथि का आगमन भी होगा, आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी तो जीवन में हर काम आपके सफल हो जाएंगे। भाग्य का सितारा ऐसा ही योग बना रहा है। आज राहु शनि के धन भाव में बैठकर अचानक धन का लाभ लेकर आया है। आज परिवार की स्थिति आपकी बदलेगी। आज का दिन आपके लिए शुभ दिन है, प्रभावशाली दिन है जो स्वाभिमान को भी बढ़ाएगा, सामर्थ्य को भी बढ़ाएगा, सुख की कामना आपको संतुष्टि देगा, जीवन का भरपूर आनंद लेंगे, गृहस्थ जीवन अच्छा चलेगा। आपके जीवन में हर काम की सिद्धि, धन उन्नति तरक्की, इच्छा आपकी प्रबल होगी और आज का दिन केतु और शुक्र के प्रभाव से ध्रुव योग में जीवन की बाधाएं भी दूर होगी, यानी आत्मविश्वास से भरा आपके लिए आज का दिन। भाग्य का साथ जब मिलता है तो जीवन में बहुत तरक्की देखने को मिलती है। शनि की शुभ दृष्टि पड़ते ही शुक्र आपके जीवन में बड़ा सुख देकर जाएगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, नई नौकरी का योग भी बन रहा है, आपके प्रयास से बड़ी सफलता लेकर आएगा। आज का दिन आपके लिए मजबूत इच्छा शक्ति, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का सामर्थ्य, सुखी समृद्ध जीवन और नई खुशियां, जीवन में एक नई शुरुआत, यानी आज बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी, शुभ समाचार भी मिलेगा। दिन आपके लिए लाभ का है, धन धान की वृद्धि होगी और जो स्टूडेंट हैं उनके जीवन में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी आपके लिए समय बड़ा शुभ है। ऐसे समय में जीवन साथी का प्यार भी मिलता है, गृहस्थ जीवन भी अच्छा चलता है, कार्य क्षेत्र में आपकी अच्छी सोच बहुत लाभ लेकर आता है, मान सम्मान आपके जीवन में बढ़ता है और कोई बड़ी खुशखबरी भी सुनने को मिलती है। आज राहु काल 12:28 से 1:47 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर व्हाइट होगा, लकी नंबर 3 होगा। आज का दिन हर तरह से लाभ और सुख देने वाला दिन है, क्योंकि बृहस्पति के साथ चंद्रमा मंगल सूर्य का नवम पंचम योग बन रहा है। जब भी नवम पंचम योग बनता है तो बृहस्पति चंद्रमा की स्थिति को मजबूत बनाता है, मंगल को शुभ बनाता है और सूर्य की शक्ति को बढ़ाता है। जब मंगल के साथ चंद्रमा का गोचर होता है तो धन आपके जीवन में बढ़ता है, जब सूर्य के साथ मंगल का गोचर होता है तो कर्म से सफलता मिलता है और जब सूर्य के साथ बुध का गोचर होता है तो किस्मत चमकने लगता है। आज आपकी कुंडली में बनने वाला चतुर्ग्रही राजयोग हर प्रकार का लाभ सुख सौभाग्य लेकर आया है। जीवन में बेहतर परिणाम की प्राप्ति और जीवन में बड़े लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, स्थिति में सुधार होगी और जीवन में हर इच्छा आपकी पूरी होगी। आज का दिन आपके लिए बड़ी खुशखबरी, सुख सौभाग्य लेकर आया है, क्योंकि ध्रुव योग मूल नक्षत्र में केतु का प्रभाव आपके लिए बेहतर अवसर
और शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाएगा। बेहतर अवसर और सुख समृद्धि का योग समय आपके लिए बड़ा लाभकारी है, जो आपके भाग्य को भी चमकाएगा, आपके जीवन में बड़ी सफलता लाभ का अवसर भी देकर जाएगा। अमृतकाल 1:40 से 3:10 का समय आपके लिए सफलता का समय है और विजय मुहूर्त 2:13 के बाद आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, जबकि दिन की शुरुआत सुबह 5:27 पर आपके जीवन को और भी ज्यादा रोमांचित करेगा। तो आज शुभ फलों की प्राप्ति, सुख समृद्धि, सौभाग्य का योग आपकी कुंडली में, आपके भाग्य का चमकना और आज का दिन बेहतर परिणाम की प्राप्ति। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।